हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा लेक्चर दोस्तों कराने वाला हूं। दोस्तों, आपके सिलेबस में पहला लेक्चर है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये दूसरा लेक्चर हो गया, जिसका टाइटल है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट नेचर एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मेजर अचीवमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐतिहासिक विकास। दोस्तों, जो प्लांट ब्रीडिंग है, यह तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने पहली बार खेती के लिए कुछ पौधों को चुना। दोस्तों, यह सबको पता है कि पादप प्रजनन एक प्राचीन गतिविधि है जो कृषि की शुरुआत से जुड़ी है। दोस्तों, ये कृषि की शुरुआत से जुड़ी है, लेकिन मतलब बिना जानते हुए सब लोग इसका प्रयोग कर रहे थे। दोस्तों, पहले के लोग अनाज के दाने को सबसे पहले पालतू बना लेते थे। पालतू बनाने का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग कि जो अनाज का दाना था उसे रख लेते थे बोने के लिए। उसके बाद दोस्तों वो लोग ये अभी जान गए कि इसे कितने डिग्री सेल्सियस पे रखें, कितने टेम्परेचर पर रखें कि यह जो हमारा बीज है, जो हमने फसल के दाने को लिया है, यह अच्छा उत्पादन दे। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद उन लोगों ने यह अभी जानना शुरू कर दिया। प्रारंभिक पादप प्रजनकों द्वारा बहुत कम समय में उन उल्लेखनीय परिवर्तनों को भी पूरा कर दिया गया। अब दोस्तों, बात आती है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब और क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिया है, तो देखिए आप लोग। यहाँ से 700 ईसा पूर्व के बेबीलोन और असूरियों ने कृत्रिम रूप से खजूर का परागण किया। दोस्तों, 700 ईसा पूर्व के बेबीलोन और असूरियों ने कृत्रिम रूप से खजूर का परागण किया। सन 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहले कृत्रिम शंकर का उत्पादन किया। अगला है दोस्तों, 9000 ईसा पूर्व में टाइग्रिस नदी के ऊपर की पहाड़ियों में पौधे के वर्चस्व का पहला प्रमाण मिला था। दोस्तों, 9000 ईसा पूर्व में दोस्तों टाइग्रिस नदी के ऊपर की पहाड़ियों में पौधे के वर्चस्व का पहला प्रमाण मिला था। देखते दोस्तों, ये सब दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला, 1727 में विलमोरिन ने संतति परीक्षण यानी विलमोरिन आइसोलेशन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विलमोरिन आइसोलेशन के अवधारणा को पेश किया। फिर 1753 ईस्वी में दोस्तों लिनियस ने स्पाइसेस प्लांटेरियम प्रकाशित किया। लिनियस ने दोस्तों 1753 ईस्वी में स्पाइसेस प्लांटेरियम को प्रकाशित किया। दोस्तों, ये सब मैं लिख के आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखने से और अच्छे से आता है, सुनने से भी समझ में आता है, तो देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो दोनों से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। 1761 से 1766 ईस्वी में जर्मनी के कोएल रेउटर ने, दोस्तों वैज्ञानिक का नाम है कोएल रेउटर, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि संकर संतति में लक्षण प्राप्त होती हैं। मतलब उसमें जब संकर संतति होता है तो उसमें लक्षण प्राप्त होते हैं, वे दोनों माता पिता से और अधिकांश लक्षणों में मध्यवर्ती होती है। मध्यवर्ती का मतलब दोस्तों बीज का, मतलब कुछ माता का कुछ पिता का, तो दोस्तों इसी को कहा गया मध्यवर्ती। तो दोस्तों, मैंने क्या क्या बताया, सन 700 ईसा पूर्व के बेबीलोन और असूरियों ने कृत्रिम रूप से खजूर का परागण किया। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहले कृत्रिम शंकर का उत्पादन किया। 9000 ईसा पूर्व में टाइग्रिस नदी के ऊपर की पहाड़ियों में पौधे के वर्चस्व का पहला प्रमाण मिला था। उसके बाद विलमोरिन ने संतति परीक्षण यानी विलमोरिन आइसोलेशन की अवधारणा को पेश किया। 1753 में लिनियस ने स्पाइसेस प्लांटोरियम को प्रकाशित किया। 1761 से 1766 में जर्मनी के कोएल रेउटर ने प्रदर्शित किया कि संकर संतति में लक्षण प्राप्त होते हैं, वे दोनों माता पिता से और अधिकांश लक्षणों में मध्यवर्ती होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1847 में रिट्स एलोडेंट दोस्तों मक्के का प्रजाति है, तो रिट्स एलोडेंट मक्के को विकसित किया गया। कब विकसित किया गया? 1847 में। 1866 में दोस्तों मेंडल ने पौधे के संकरण में प्रयोग में अपनी खोजों को प्रकाशित किया। 1866 में मेंडल ने संकरण के प्रयोग में अपने खोजों में प्रकाशित किया। किसको दोस्तों? पौधों को। अगला है दोस्तों, 1899 में, दोस्तों इस सन 1899 में
हॉपकिंस ने मक्के में प्रजनन के लिए कान से पंक्ति विधि, दोस्तों जो होता है एक कान से पंक्ति विधि होती है दोस्तों, उसका वर्णन किया। अगला दोस्तों, सन 1908 से सन 1909 ईस्वी में इंग्लैंड के हार्डी, दोस्तों यह वैज्ञानिक का नाम है हार्डी, इंग्लैंड के हार्डी, सॉरी दोस्तों, इंग्लैंड के हार्डी और जर्मनी के वेनबर्ग ने कानून विकसित किया। किसका कानून विकसित किया दोस्तों? आबादी के संतुलन का, आबादी संतुलन का कानून विकसित किया। किसने? इंग्लैंड के हार्डी और जर्मनी के वेनबर्ग ने। सन 1908 में नीलसन ने पहले, सॉरी नीलसन एहले ने बहुकारक परिकल्पना की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। दोस्तों सन 1908 ईस्वी में नीलसन एहले ने बहुकारक परिकल्पना की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। दोस्तों ये इतना सब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा हिस्टोरी में, क्योंकि एग्जाम पूछता है दोस्तों हिस्टोरी या प्लांट ब्रीडिंग। सन 1909 ईस्वी में सूल ने संकर नस्लें पैदा करने के लिए व्यापक शोध किया कि संकर नस्लें कैसे पैदा की जाए दोस्तों। अगला है, सन 1926 में पायनियर हाईब्रिड मकई कंपनी पहली बीज कंपनी के रूप में स्थापित हुआ। पायनियर दोस्तों ये बीज की कंपनी है, पायनियर एक हाईब्रिड बीज की कंपनी दोस्तों। सन 1926 में पायनियर हाईब्रिड मकई कंपनी पहली बीज कंपनी के रूप में स्थापित हुआ दोस्तों। अगला है, 1935 में वाबी लोव ने पादप प्रजनन का वैज्ञानिक आधार प्रकाशित किया। किसका दोस्तों? आधार प्रकाशित किया पादप प्रजनन का, किसने? वाबी लोव ने। दोस्तों यह भी एक दोस्तों वैज्ञानिक हैं। 1940 में दोस्तों हार्लन ने प्रजनन में बल्क ब्रीडिंग, दोस्तों बल्क ब्रीडिंग एक होता है, बल्क ब्रीडिंग BULK, बल्क ब्रीडिंग सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। किसने दोस्तों? हार्लन ने। कब किया? 1940 में। दोस्तों ये सब याद करते रहिएगा, जो ये मैं ईयर बता रहा हूँ इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सन 1953 में वाटसन और क्रिक और विलिंगसन ने, वाटसन क्रिक और विलिंगसन ने डीएनए संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। किसने? किसने दोस्तों? वाटसन, वाटसन क्रिक और विल्किंस ने डीएनए संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। 1970 में दोस्तों बोरलॉग को, बोरलॉग दोस्तों क्या थे? हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों पूरे विश्व में। तो 1970 में बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको दोस्तों? बोरलॉग को। फिर से मैं आप लोगों को जितना मैंने बताया मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोस्तों। सन 1847 में दोस्तों रिट्स एलोडेंट मक्का को विकसित किया गया। 1866 में मेंडल ने पौधे के संकरण में प्रयोग में अपनी खोजों को प्रकाशित किया। 1899 में हॉपकिंस ने मक्के में प्रजनन के लिए कान से पंक्ति चयन विधि का वर्णन किया। 1908 से 1909 ईस्वी में इंग्लैंड के हार्डी और जर्मनी के वेनबर्ग ने कानून विकसित किया। किसका कानून विकसित किया? आबादी संतुलन का। 1908 में नीलसन एहले ने बहुकारक परिकल्पना की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। 1909 में सूल ने संकर नस्लें पैदा करने के लिए व्यापक शोध किया। 1926 में पायनियर हाइब्रिड मकई कंपनी पहली बीज कंपनी के रूप में स्थापित की गई। 1935 में वाबिलो ने पादप प्रजनन का वैज्ञानिक आधार प्रकाशित किया। 1940 में हार्लन ने प्रजनन में बल्क ब्रीडिंग सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। 1953 में वाटसन क्रिक और विलिंग्स ने डीएनए संरचना के लिए एक मॉडल को प्रस्तुत किया। 1970 में बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया, जितना मैंने पीछे का बताया उतना ही बता दिया, अभी आगे और है दोस्तों। तो वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। सन 1994 में फ्लेवर सेवर को, फ्लेवर सेवर दोस्तों ये टमाटर की प्रजाति है दोस्तों, फ्लेवर सेवर टमाटर को पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन के रूप में विकसित किया गया। दोस्तों पूछ सकता है कि पहले टमाटर को, सॉरी दोस्तों किस मतलब कंपनी के टमाटर को सबसे पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो फ्लेवर सेवर। अगला, 1995 में बीटी मकई का विकास हुआ। दोस्तों बीटी मकई का विकास हुआ कब? 1995 में। 1996 में राउंडअप रेडी सोयाबीन पेश किया गया, राउंडअप रेडी सोयाबीन दोस्तों उसका सिंबल है। 2004 में राउंडअप रेडी गेहूँ विकसित किया गया, राउंडअप रेडी गेहूँ को विकसित किया गया। तो दोस्तों ये हो गया इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट एंड नेचर दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है दोस्तों। मनुष्य अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए लगभग पौधों पर निर्भर होता है।
मनुष्य अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए लगभग पौधों पर निर्भर होता है दोस्तों। अधिकांश भोजन, चारे, कपड़े, ईंधन, दवा आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत को ध्यान रखते हुए दोस्तों पौधा जो है प्रमुख है। पौधा दोस्तों प्रमुख है। पौधे से दोस्तों सब काम संबंधित होता है दोस्तों। मनुष्य लंबे समय से विकासशील पौधे से संबंधित रहा है। मनुष्य लंबे समय से क्या रहा है दोस्तों? विकासशील पौधे से संबंधित रहा है। मेंडल के पुनर्खोज से पहले पौधे का प्रजनन दृश्य चयन का परिणाम था। अप्रशिक्षित लोगों द्वारा परीक्षण और त्रुटि के आधार पर अभ्यास की जाने वाली सामग्री, कौशल और उचित निर्णय सामान्य ज्ञान के साथ मिलकर सफलता का आधार बना। क्या सफलता का आधार बना दोस्तों? दोस्तों पूछ सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग में सफलता का आधार क्या है? तो क्या है दोस्तों? अप्रशिक्षित लोगों द्वारा परीक्षण और त्रुटि के आधार पर अभ्यास की जाने वाली सामग्री, कौशल और उचित निर्णय सामान्य ज्ञान के साथ मिलकर सफलता का आधार बना। तो दोस्तों यह हो गया सफलता का आधार। आगे दोस्तों, पादप प्रजनन जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी से पहले विकसित कई किस्मों का विकास हुआ, उनके बीच दोस्तों आर्थिक मूल्यों के अंतर का आकलन करने के लिए यह कला दोस्तों ब्रीडर के ऊपर निर्भर करती है कि दोस्तों उसका जो आर्थिक मूल्य है उसमें क्या अंतर हो रहा है, उसकी अंतर का आकलन करने का दोस्तों जो निर्भर करता है दोस्तों वह किसके ऊपर निर्भर करता है? जो ब्रीडर होते हैं दोस्तों उनके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट और नेचर। दोस्तों मनुष्य जो है भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए लगभग पौधों पर निर्भर होता है। अधिकांश भोजन, चारे, कपड़े, ईंधन, दवा आदि दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत को ध्यान रखते हुए दोस्तों पौधा जो है वह प्रमुख है। मतलब है पौधे से ही लगभग सब कुछ प्राप्त हो जाता है दोस्तों। मनुष्य लंबे समय से विकासशील पौधे से संबंधित रहा है। मेंडल के पुनर्खोज से पहले दोस्तों, जब मेंडल ने अपना खोज नहीं किया था उससे पहले प्रजनन दृश्य का चयन का सॉरी प्रजनन दृश्य दोस्तों जो था वह चयन का परिणाम था। अप्रशिक्षित लोग दोस्तों जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने उनके द्वारा परीक्षण और त्रुटि के आधार पर, मतलब दोस्तों जब परीक्षण करते थे तो उसमें कुछ त्रुटियां होती थी, तो उसके आधार पर अभ्यास की जाने वाली जो सामग्री थी उस पे और कौशल और उचित निर्णय और सामान्य ज्ञान के साथ मिलकर दोस्तों जो है यह सफलता का आधार बना। कौन? प्लांट ब्रीडिंग। फिर पादप प्रजनन दोस्तों हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी से पहले के जो पौधे थे उनके कई किस्मों में विकास किया गया, उन्हें विकसित किया गया। उनके बीच आर्थिक दोस्तों जो पौधे थे उनके बीच आर्थिक मूल्य के अंतर का आकलन जो था वह दोस्तों किसके ऊपर सौंपा गया? आकलन करना कौन कर सकता है? तो ब्रीडर के ऊपर निर्भर करता है कि दोस्तों वह कैसे उसका आकलन करेगा उसके आर्थिक मूल्य के अंतर का। अब दोस्तों कुछ और दिखा देता हूँ आप लोगों को। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों अब यह कह सकते हैं कि अब आनुवांशिकी के विकास के साथ ये प्रथाएं उस बिंदु तक व्यवस्थित हैं जहां इन्हें विज्ञान कहा जा सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों अब हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट और नेचर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों इसके अगले वीडियो में दोस्तों जो प्लांट ब्रीडिंग का आएगा उसमें दोस्तों आप लोगों को इसका जो रोल है प्लांट ब्रीडिंग में, रोल दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग का, इसका मेजर अचीवमेंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दोस्तों यह सब देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।